नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने 2D यानी लंबाई और चौड़ाई वाला मामला, जिसमें हम लोगों ने ठोस का या फिर हम कहें कि किसी आकृति का क्षेत्रफल समाकलन विधि से निकालने के लिए पढ़ा, जिसमें एरिया बराबर होता था लिमिट a to b y dx, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने हल करके लिमिट रख करके एरिया निकाल लिया था। उसमें तीन या चार टाइप बताई गई थी, जिसमें यदि परवलय है तो एरिया जो होता है वह दो हो जाता है, दो, ठीक है ना, दुगना कर देते हैं जो आंसर आता है। इसी प्रकार से यदि दीर्घवृत्त है तो चार गुना कर देते हैं, यदि वृत्त है या गोला है तो चार गुना कर दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ परिक्रमण ठोस का आयतन निकालेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। क्या निकालेंगे? आयतन, और उसी के साथ ही साथ वक्र पृष्ठ भी निकाला जाएगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं आयतन को? इंग्लिश में आयतन को वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है, एंड और आयतन को वॉल्यूम कहा जाता है, और वक्र पृष्ठ को कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कहा जाता है, ठीक है ना। अब परिक्रमण ठोस मीन्स रिवॉल्यूशन होता है। तो पहले तो हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि बेलन कैसा होता है। तो बेलन वह आकृति होती है, इस तरह की आकृति को बेलन कहा जाता है, यानी जब किसी आयत या वर्ग को उसकी लंबाई या चौड़ाई के परितः घुमाया जाता है तो उससे बनी हुई आकृति को बेलन कहा जाता है। केवल या तो लंबाई को घुमाएंगे या चौड़ाई को घुमाएंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो वह क्या होगा? वह बेलन हो जाएगा, ठीक है। अब बेलन में यह वाला पोर्शन समझिएगा, ये पोर्शन देखिए, ये एक तरह का वृत्त है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या होगी, और यह बेलन की ऊंचाई h होती है, ठीक है। इसी प्रकार से यह भी त्रिज्या है तो यह भी त्रिज्या होगी, नीचे का भाग भी गोला होता है तो यह भी त्रिज्या होगी, और यह वाला पोर्शन भी त्रिज्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, समझिएगा। तो ये जो त्रिज्या है ये कौन कौन सी है? ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, यानी चारों त्रिज्याएं ही हैं और चारों सेम ही होंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, तो बेलन का आयतन v बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर h। इसी प्रकार से कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ। कर्व सरफेस एरिया माने क्या होता है? वक्र पृष्ठ। सूत्र होता है 2πrh। वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πrh। वक्र पृष्ठ कहे, क्षेत्रफल कहे, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल कहे, इस बेलन का क्षेत्रफल कहे, सारा वक्र पृष्ठ में आता है। और संपूर्ण पृष्ठ किस में आता है? संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, बराबर होता है 2πr कोष्टक में h प्लस r। क्या होता है? 2πr कोष्टक में h प्लस r, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम लोग आते हैं, अच्छा देखिए, जो आयतन होता है उसकी इकाई घन इकाई होती है, और जो दोनों वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ होते हैं उनकी इकाई वर्ग इकाई होती है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्रफल होते हैं। ये दोनों क्षेत्रफल होते हैं और यही केवल आयतन होता है, ठीक है। अब हम लोग शंकु पढ़ते हैं, तो शंकु क्या होता है? शंकु यानी बंदर की टोपी, जोकर की टोपी, ठीक है ना, आइसक्रीम कोन, ये सभी शंकु कहलाते हैं। इसमें ये जो तिरछी ऊंचाई है इसको यल कहा जाता है, ये जो नीचे ये वाला भाग है इसे आर यानी त्रिज्या कहते हैं, और जो ऊंचाई है उसे लंबाई या उसे ऊंचाई कहेंगे। तो यल बराबर अगर हम लोग कहें तो देखिएगा, समझिएगा कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, इस प्रकार से दो समकोण त्रिभुज और ये बन गया, तो एक समकोण त्रिभुज ये था, इसमें अगर ये यल है तो ये एच है, ये आर है, तो यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समझ में आ रही बात ना। तो यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यल बराबर अंडर रूट में हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया ना। तो ये लंबाई है, तो लंबाई की यूनिट क्या होगी? मीटर, ठीक है ना। अब देखिए,
इसी प्रकार से तब जब सूत्र बनेगा तो आयतन का सूत्र हो जाता है 1/3 πr² h घन इकाई, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ बराबर πr² l वर्ग इकाई, और संपूर्ण पृष्ठ TSA बराबर πr l + r वर्ग इकाई। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए कोण के बाद बारी आती है गोले की, तो गोले को हम लोग एक तरह से वृत्त ही होता है पर वही 3D में होगा तो उसको गोला कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 3D में होगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको गोला कहेंगे, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में होगा तो उसको गोला कहेंगे। अब यहाँ पे लंबाई भी आर है, ऊंचाई भी आर है, चौड़ाई भी आर है, सभी आर ही है, तो आयतन का सूत्र होता है V = 4/3 πr³, कर्व सरफेस एरिया, अच्छा घन इकाई, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ बराबर होता है 4πr² ठीक है ना, क्या होता है 4πr² ये वर्ग इकाई होगा, टोटल सरफेस एरिया 6πr² यह भी वर्ग इकाई है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यूनिट क्या हो जाएगी उसकी, वर्ग इकाई हो जाएगी। अब हम लोग अपनी टॉपिक पे आते हैं, तो स्टूडेंट्स टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये तीनों सूत्र, इसकी त्रिज्या, ऊंचाई और यहाँ पे ये सारे सूत्र, आयतन, वक्र पृष्ठ ना, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, और वो भी किस प्रकार से, एकदम रट्टा हुआ एकदम, ताकि दिमाग में आए कि शंकु, तो शंकु के सारे सूत्र याद हो जाने चाहिए, जैसे कि शंकु में त्रिज्या आर होती है, इसकी वक्र पृष्ठ एल होता है, इसकी ऊंचाई एच होती है, πr l इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, 1/3 πr² 1/3 πr² h इसका आयतन होता है, इसी प्रकार से TSA टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr (l + r) ठीक है ना, πr (l + r) ये वर्ग इकाई है, यह घन इकाई है, ये सारे आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। तो अब हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, तो टॉपिक में थोड़े थोड़े सूत्र होंगे, उनके बाद डेरिवेशन होगा, तो जो सूत्र है पहले उनको समझते हैं, पहले डेरिवेशन या दोनों साथ में मिला के करते हैं, तो समझिएगा। जैसे है टॉपिक स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक 5 नंबर के क्वेश्चन बनाती है, तो इसको अच्छे से समझना है। परिक्रमण ठोस का आयतन ज्ञात करना है, अगर लिमिट मान ले दिया है a → b, यानी लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट b है, तब आयतन का सूत्र होता है πa² dx, यूनिट होगी घन इकाई, ये सूत्र है। ठीक है ना, वक्र पृष्ठ अगर लिमिट a → b है तो s बराबर, यानी वक्र पृष्ठ s बराबर होता है 2πa² dy, जहाँ ds/dx बराबर होता है √(1+dy/dx) का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये पिछले साल प्रश्न बना था, इस पे सीधे यही क्वेश्चन आ गया था कि समाकलन विधि से बेलन का आयतन वा वक्र पृष्ठ या वा पृष्ठ निकालो। तो हम लोग अगर यह समझें, यह बेलन है, ये जो है किसी संख्या रेखा पर दिखाया गया है, यहाँ तक की दूरी अगर हम लोग ऊंचाई h मान लेते हैं, और ये वाली छोटी वाली ऊंचाई a मान लेते हैं, और यहाँ पर त्रिज्या जो है त्रिज्या स्मॉल r हो जाती है, तब आयतन, तब देखिए यहाँ पे al = bm = त्रिज्या r हो गई, ऊंचाई lm = h हो गई। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, चूँकि हम लोग जानते हैं संख्या रेखा में, देखिए संख्या रेखा में ये पूरा x होता है और ऊपर की तरफ y होता है, तो y बराबर, हमको समझ में आ रहा है, y बराबर r है, और x बराबर, चूँकि देखिए ये छोटा भाग a था, ये छोटा भाग क्या था, दो पेन यूज़ कर लेते हैं, ये छोटा भाग हमारा h था, तो हमारा x का मान आ जाएगा a + h, और y का मान आ जाएगा r। ठीक है, अब देखिएगा, तो लिमिट जब यूज़ करेंगे तो आयतन का सूत्र होता है πa² dx, तो पाई ए तो हमारी लोअर लिमिट है ही, अपर लिमिट हो जाएगी a + h r² dx। ठीक है ना, चूँकि y² = r² है, r² बाहर हो गया, πr² बाहर हो गया, यहाँ dx बचा, dx का समाकलन x होता है, लिमिट a → a + h, तो πr² जब x की जगह पे एक बार a + h रखेंगे, माइनस लगा के एक बार a रखेंगे, तो a से a कटेगा, बचेगा h। ठीक है ना, तो हमारा आयतन मिल जाएगा V = πr² h, यूनिट क्या होगी,
घन इकाई होगी। स्टूडेंट्स फिर से समझ लीजिए, हम लोगों ने पढ़ा है वी बराबर सूत्र होता है पाई ए टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स, पर वाई बराबर आर है तो वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा जब मान रखेंगे पाई बाहर है ही, एक लिमिट ए है, एक लिमिट ए प्लस एच है, आर स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। डी एक्स का समाकलन यक्स होता है, लिमिट ए टू ए प्लस एच रखेंगे, है ना। तो जब ए टू ए प्लस एच रखेंगे तो ए प्लस एच माइनस ही आएगा, ए से ए कट जाएगा, एच बचेगा, यहाँ पाई आर स्क्वायर एच, ये घन इकाई, ये हमारी आयतन हो गई, ठीक है। वक्र पृष्ठ निकालने के लिए सूत्र प्रयोग करेंगे, यस बराबर टू पाई ए टू ए प्लस एच वाई डी एस, और डी एस डी एस बाई डी एक्स बराबर होता है अंडर रूट में वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और चूँकि आर है वाई का मान, तो जब डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो यह जीरो ही आना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तब हमारा यस बराबर टू पाई ए टू ए प्लस एच वाई, यहाँ वन प्लस इसका मान जीरो हो गया तो वन बचेगा, वाई का मान आर है तो आर डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट ए टू ए प्लस एच, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इतना आपको समझ में आ रहा है, तो ए प्लस एच माइनस ए से ए कटा है, क्या बचा एच बचा, तो टू पाई आर एच, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया यस मिल गया, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ हम लोग जानते ही हैं, संपूर्ण पृष्ठ सूत्र होता है टू पाई आर एच, टू पाई आर स्क्वायर दोनों जोड़ेंगे, टू पाई आर एच प्लस आर, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछता। तो स्टूडेंट्स क्या पूछता है, केवल आयतन और वक्र पृष्ठ पूछता है। स्टूडेंट्स इतना आपको क्लियर हो गया है, एक बार मिला लीजिएगा आप इसको, ये एग्ज़ामिनेशन में पिछले साल पूछा था, इसको आप लोग एकदम तैयार कर लीजिएगा। पिछले साल ये पूछा था, इस बार हो सकता है कि शंकु पूछ दे या गोला भी पूछ सकता है, या हो सकता है फिर से वही क्वेश्चन रिपीट कर दे, ठीक है ना। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक है लंब शंकु का आयतन एवं वक्र पृष्ठ। ध्यान दीजिए, लंब वृत्तीय शंकु कहे, लंब शंकु कहे, मतलब किससे होता है, शंकु से होता है। तो हमने क्या किया है, शंकु को इस तरह से यक्ष अक्ष पे दिखा दिया, पट कर दिया, समझिएगा चित्र, ठीक है। ये चित्र है, ये वाली दूरी हमारी आर है, और ये वाली त्रिज्या, ये वाली दूरी हमारी यच है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा वाई नहीं है, हो सकता है ये थोड़ा लंबा हो, इस तरह से ये थोड़ा लंबा हो सकता है। तो हमको यहाँ पे कोई कोण अल्फ़ा मान लेते हैं, तो टैन अल्फ़ा बराबर लंब बटा आधार होता है तो वाई अपान में यक्स हो जाएगा, देन वाई बराबर हो जाएगा यक्स टैन अल्फ़ा, वाई बराबर क्या हो जाएगा, यक्स टैन अल्फ़ा। अब समझ लीजिए इसकी लिमिट क्या होगी, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, जीरो से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, यच तक जा रहा है, तो लिमिट हो गई हमारी जीरो टू यच, ठीक है। बाकी वाई बराबर हमारे पास आर है, समझिएगा वाई बराबर आर है, तो आर बराबर हो जाएगा यक्स टेन अल्फ़ा। तो वी बराबर सूत्र रखते हैं पाई ए टू बी, पाई ए टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई की जगह पे आर स्क्वायर डी एक्स, और आर की जगह पे यक्स टेन अल्फ़ा रख देंगे, ठीक है ना। यक्स टेन अल्फ़ा हो गया, डी एक्स हो गया, पाई बाहर है, लिमिट जीरो टू एच है। ध्यान दीजिएगा, टेन अल्फ़ा का स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, इधर यक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, यक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन होता है यक्स क्यूब बटा में तीन, यहाँ जीरो टू यच है, जब यच रखेंगे तो यच क्यूब बटा तीन हो जाएगा, माइनस जीरो हो जाएगा, तो जीरो का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अब एक बटा तीन पाई यच बाहर ले लिए, तीन यच है, एक यच बाहर ले लिए, तो यच स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा हो गया। अब आर बराबर है क्या, यच टेन अल्फ़ा है, तो स्क्वायर करेंगे तो इधर आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब v बराबर हमको मिल गया एक बटा तीन पाई आर स्क्वायर एच, ये घन इकाई है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या है, घन इकाई। एक बार इसको और समझिए, अच्छे से समझिए, पहले इसका चित्र समझने की कोशिश करिए। तो चित्र इस प्रकार से बना है, ठीक है, यह मूल बिंदु से शुरू कर दिए हैं, ठीक है, यहाँ तक की दूरी हमारी ऊंचाई एच है, यह दूरी हमारी आर है, ये अल्फ़ा है, ये यहीं तक अगर हम समझते हैं यक्स है, तो ये वाली दूरी वाई नहीं मानी जाएगी, बल्कि ये वाला देख रहे हैं आप, लंबाई और ऊपर तक जा सकती है, तो ये हम लोग वाई ले लिए हैं।
अब देखिए, लंब बटा आधार टैन अल्फा, तो टैन अल्फा बराबर लंब, लंब हमारा वाई है, आधार यक्स है, तो तिरछा गुणा करेंगे तो वाई बराबर यक्स टैन अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो वही चीज़ किया गया है, वाई की जगह पे यक्स की जगह पे एच टेन अल्फ़ा रख दिए हैं, तो यूज़ करेंगे तो यक्स टेन अल्फ़ा का होल स्क्वायर डी यक्स हो जाएगा। अब लिमिट रखेंगे तो जीरो टू एच से, तो यहाँ पे एच स्क्वायर एच क्यूब बाई थ्री हो जाएगा, और उसके बाद टेन स्क्वायर अल्फ़ा है तो तीन बार एच है, तो एक एच बाहर निकाल के एच स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फ़ा की जगह पे हम लोग आर रख देंगे, तो आर स्क्वायर एच, यहाँ पाई है, यहाँ एक बटा तीन है, ये पूरा आयतन का सूत्र हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम लोग वक्र पृष्ठ निकालते हैं। लिमिट दोनों में ही सेम रखी जाती है, जो लिमिट हम लोग आयतन निकालने में यूज करेंगे वही लिमिट हम लोगों को वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में यूज करनी है। अब ध्यान दीजिए, जीरो टू एच यूज किए हैं आयतन निकालने में, तो जीरो टू एच इसमें भी ये शंकु के लिए है। ठीक है, इसी प्रकार से बेलन के लिए क्या यूज किए थे, बेलन के लिए ए टू ए प्लस एच यूज किए थे, तो यही आयतन के लिए भी है, यही वक्र पृष्ठ के लिए भी है। अब समझते हैं, यस बराबर टू पाई जीरो टू एच वाई डी एस, और डी एस अपान डी एक्स बराबर अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर है, केवल किसका स्क्वायर है, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है, ये वन अलग है प्लस अलग है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, केवल इसी का स्क्वायर है, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो वाई बराबर यक्स टेन अल्फ़ा अभी हम लोगों ने पीछे निकाल लिया, इसका जब अवकलन करेंगे तो यक्स का अवकलन एक होता है, यक्स का अवकलन एक होता है, देन डी वाई बाई डी एक्स बराबर टेन अल्फ़ा बचेगा, देन यस बराबर हो गया टू पाई जीरो टू एच वाई अंडर रूट में वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा डी एक्स, अंडर रूट में वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा डी एक्स, तो यहाँ टू पाई यूज़ करेंगे। ठीक है, जीरो टू एच हो गया यक्स टेन अल्फ़ा डी एक्स अंडर रूट में सेक स्क्वायर अल्फ़ा, सेक स्क्वायर अल्फ़ा का वर्गमूल सेक अल्फ़ा टेन अल्फ़ा, यहाँ यक्स डी एक्स बचा, यक्स डी एक्स का समाकलन हो गया यक्स स्क्वायर अपान में टू। अब देखिए, यक्स स्क्वायर अपान में टू, तो दो से दो कटा, पाई सेक अल्फ़ा टेन अल्फ़ा इन टू यच स्क्वायर, जब लिमिट रखेंगे तो यच स्क्वायर होगा। अब देखिए, यच सेक अल्फ़ा यच टेन अल्फ़ा, यच टेन अल्फ़ा का मान आर है, यच सेक अल्फ़ा का मान यल है, क्योंकि सेक बराबर हो जाएगा, सेक अल्फ़ा बराबर ये हमारा हो जाएगा सेक अल्फ़ा बराबर यल अपान में यच, तो यल बराबर हो जाएगा यच सेक अल्फ़ा। ठीक है ना, तो यल बराबर हो गया यच सेक अल्फ़ा, तो यस बराबर हो जाएगा जब यहाँ पे एल, यहाँ पे यल रखेंगे और यहाँ पे आर रखेंगे, तो पाई आर यल आ जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, पूछता नहीं, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर वर्ग इकाई, ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको बेलन और शंकु दोनों अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं गोले का आयतन पे, तो उम्मीद है यह भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, गोला वृत्त का ही एक रूप होता है, तब वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट क्या होगी, तो देखिए ऐसी लिमिट रखनी है कि वाई का मान जीरो आ जाए, तो जब जीरो रखेंगे तो वाई का मान ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर में लिमिट हमारी क्या निकलेगी, ए प्लस में ए माइनस में, दोनों चाहे हम लोग प्लस ए का स्क्वायर करेंगे तब भी ए स्क्वायर आएगा, और माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तब भी ए स्क्वायर आएगा। आयतन का यानी लिमिट हमारी हो गई माइनस ए टू ए, छोटी लिमिट से बड़ी लिमिट माइनस ए टू ए, ये हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आयतन का सूत्र होता है वी बराबर ए टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स, तो पाई हो गया माइनस ए से ए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, देन वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर का पक्षांतर कर दिए, देन माइनस में एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका समाकलन करते हैं, तो ए स्क्वायर के साथ डी एक्स का ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब अपान में तीन, लिमिट है माइनस ए से ए, यहाँ है पाई। ठीक है ना स्टूडेंट्स, देन अब लिमिट रखेंगे तो वी इक्वल टू पाई ए क्यूब हो जाएगा, माइनस ए क्यूब अपान थ्री, एक बार ए रख दिए, फिर जब माइनस ए रखेंगे
तो यहाँ माइनस होता ही है, ए क्यूब माइनस ए क्यूब अपान में 3 हो जाएगा। इसको हल करने पे देखिए, समझिएगा, ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब जोड़ेंगे तो 2a³ आएगा, माइनस ए क्यूब 3 माइनस ए क्यूब अपान 3 हो जाएगा, तो जुड़ जाएंगे दोनों, माइनस 2a³ अपान 3 हो जाएगा। तो 3 × 6 में से 2 जाएगा, 4a³ अपान में 3, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई ए क्यूब, जहाँ ए गोले की त्रिज्या है, यूनिट क्या होगी, घन इकाई होगी। इसी प्रकार से अब हम लोग निकालते हैं वक्र पृष्ठ यस बराबर 2πa·b y·dx, ये सूत्र होता है, जहाँ ds अपॉन dx बराबर होता है √1 dy/dx का होल स्क्वायर, और y स्क्वायर का मान तो हम लोग जानते ही हैं, a² − x² है, y स्क्वायर का अवकलन 2y·dy/dx, ए स्क्वायर का अवकलन 0 − x² का 2x, देन dy/dx इक्वल टू हो जाएगा −x/y, तब यस बराबर हो जाएगा 2π − a·2a·2πy √1 x² / y² · dx। अब इसको हल करते हैं, 2π y से y कटा, जब एलसीएम लेंगे तो x² + y² हो जाएगा, ठीक है, dx हो गया। और चूँकि x² + y² = a² है, तो √a² करेंगे तो a आ जाएगा, ठीक है, तो 2π a हो गया, dx का समाकलन x बचा, लिमिट है a·a, देन 2π a a+a माने 2a, तो हो जाएगा 4π a², जहाँ a है क्या, जहाँ a त्रिज्या है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 डेरिवेशन आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है, कौन कौन से, हमारा बेलन और शंकु और गोला। अगर इस डेरिवेशन में आपको कोई समस्या होती है देन व्हाट्सअप करिए, और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको डिस्कस करके प्रॉब्लम्स का समाधान जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकालिए। इसके बाद अगला जो वीडियो मिलेगा ये इन्हीं वक्र पृष्ठ और आयतन पे जो है सीधे सीधे सवाल कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस प्रकार से लगाते हैं, वो रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।